अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हिमांशी उपाध्याय और स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भतीजे ने चाचा के साथ मिलकर अपनी पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त बाइक, चाकू और मोबाइल बरामद कर लिया है। इधर मृतका के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने सीओएमसी बिंजौला के दफ्तर में हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गदरपुर के वार्ड संख्या 3 निवासी पार्वती ने कोतवाली में अपनी 29 वर्षीय बेटी डिंपल पत्नी नीरज कोहली निवासी बानुसी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला की तलाश में जुटी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार डिंपल अपने पति के साथ बाइक पर जाती दिखी। इस पर पुलिस ने पति नीरज और उसके बीरिया मझोला निवासी चाचा विनोद राम से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह डिंपल को बाइक से घुमाने के लिए बग्घा चौवन के जंगल ले गए थे। वहीं दोनों ने मिलकर उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और शव झाड़ी में फेंक दिया। पति नीरज की शिनाख्तेही पर शव बरामद कर लिया गया है। दोनों ने वारदात में पड़ोसी दीपक कुमार की बाइक का प्रयोग किया था। इधर मृतका की मां पार्वती देवी ने थाने में उसके पति नीरज कोहली, ससुर देवराज, सास गंगा देवी, नंद डोली और हेमा तथा चचिया ससुर हरीश कोहली के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर सौंपी। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम में एसएसआई देवेंद्र गौरव, एसआई लक्ष्मण सिंह, अनिल कुमार, बबीता नवीन रजवार, अरविंद डंगवाल, नीलम आदि थे। मृतका की 11 माह की बच्ची भी है। एसपी सिटी ने बताया कि नीरज बेरोजगार था, वह मुंबई से नौकरी छोड़कर लौटा था। 23 अगस्त को उसने चाचा विनोद के पास आकर साजिश रची। पहले तो उसका चाचा तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में तैयार हो गया। वह पत्नी डिंपल को पहले वोइन गांव ले गया, जहां से चाचा विनोद को बुलाया। विनोद की ससुराल बग्गा में है, जहाँ झाड़ फूक के बहाने ले गए थे। भारमल के जंगल में सड़क से 3 किलोमीटर अंदर एक जगह दलदल में बाइक फंस गई, तो पैदल अंदर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया। चाचा को 25,000 रुपए देने का भी लालच दिया गया था। मृतका डिंपल 5 भाई बहनों में चौथे नंबर की थी। उसकी मां पार्वती ने बताया कि डिंपल ने एमए और बीएड किया हुआ था। 24 नवंबर 2017 को उसका विवाह हुआ था। दिसंबर 2019 में ही वह मायके से आई थी। हत्यारोपी पति भी अपने परिवार का इकलौता बेटा है, उसकी 4 बहनें हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पुष्टि करके इसकी जांच में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक सभी आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।